हेलो कैंडिडेट्स मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर सी एफ एवल वन जहाँ पर हम लोग समरी वीडियोस बना रहे हैं फॉर ऑल द रीडिंग्स इन आवर लेवल वन अभी फ़िलहाल कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा चल रहा है प्रोबेबली यू हैव बिन वॉचिंग द सीरीज़ तो आपने तीन चार वीडियोज़ अभी तक देखे हैं एंड दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ वीडियो फ्रॉम कॉरपोरेट फाइनेंस आज के इस वीडियो में हम लोग लेवरेज कंप्लीट करने वाले हैं इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक वेरी वेरी सिंपल टॉपिक 15-20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्वियसली आप सारी चीजों को मास्टर कर पाओगे यू विल गेट टू नो कि कहाँ कौन सी रीडिंग में क्या क्या चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है अनडाउटेटली गोज विदाउट सीइंग ये समरी वीडियो है हम कई सारे प्रैक्टिकल एरियाज को मिस आउट कर रहे हैं इसके बावजूद कम्युनिटी को हेल्प करने के तौर पे मैं ये हमेशा आपके पास में ऑप्शन रखूंगा दैट यू कैन कमेंट डाउन बिलो योर रिक्वायरमेंट्स इन केस अगर कोई प्रैक्टिकल एरिया में आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट में मेंशन करें ऑब्वियसली जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा मुझे आ, या कोई पर्टिकुलर एरिया पे मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके लिए एक एक्सप्लिसिट वीडियो भी बना दूंगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमेशा मेरे सारे व्यूअर्स के लिए हैं आप सभी के लिए हैं सो कमेंट कीजिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है और जहाँ तक बात है थियोरिटिकल एनरिचमेंट की तो वो तो मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ आफ्टर ऑल सी एफ एल वन एज एट्टी एटी फाइव परसेंट थियोरेटिकल तो पूरी थ्योरी को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं अपने समरी वीडियोज़ में नाउ अगेन बैक टू अवर ओल्ड क्वेश्चन कि ये किसके लिए भैया एप्लीकेबल है कौन कौन इसको देख सकते हैं सीरीज़ को सो एवरीबडी कैन वॉच इट एनी बडी वू एज़ एनरोल फॉर सी एफ एल एवल वन और इज थिंकिंग ऑफ एनरोलिंग इन टू सी एफ एल एवल वन एनी बडी कैन वॉच इट ऑब्वियसली इट विल बी मोर यूजफुल फॉर समबडी वू एज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कारपोरेट फाइनेंस या फिर जो सेगमेंट्स वो देख रहे हैं वो ऑलरेडी उनका देखा हुआ है किया हुआ है नो no मैटर आपने ट्यूशन लिया सेल्फ स्टडी किया कुछ फर्क नहीं पड़ता दिस समरी वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इसके साथ ही साथ उनके लिए भी बहुत मदद है जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो दे कैन ऑल्सो गेट अ बेनिफिट दे कैन गेट अ फ्लेवर कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको पढ़नी है दैट्स इट सो ये रहा अपना इस वीडियो से पहले का जो भी मेरा समरी देने का या इंट्रोडक्शन देने का हमेशा से इरादा रहा है यही है वो एंड नाउ वी आर गोइंग इन टू द वीडियो बट बिफोर दैट माई स्मॉल अपील प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल सब्सक्राइब टू बोथ अवर चैनल्स गौरव काबरा एज वेल एज इट इज़ सो so प्लीज ये कीजिएगा एंड अभी आपको मैं छोड़ के जाता हूं आपके समरी वीडियो के साथ सो गो है लेवरेज सो हेलो कैंडिडेट्स वेलकम एवरी वन समरी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं हमारे रीडिंग लेवरेज का चलिए आइए बिना कोई समय आपका लिए लर्निंग आउटकम ए से शुरुआत करते हैं टॉकिंग ऑफ दिस लर्निंग आउटकम हेयर वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन वट इज लेवरेज वट इज बिजनेस रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क सो so, ऑब्वियसली ये सारी चीजें जितनी भी हमें समझनी है ये सारी रिस्क को समझ लेंगे तो हो जाएगा सो इन दिस लर्निंग एक्चुअली और इन दिस लर्निंग आउटकम वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू टाइप फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिस्क है उसमें दो तरह की रिस्क है प्राइमरीली नंबर वन इज द बिजनेस रिस्क नंबर टू इज द फाइनेंशियल रिस्क यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो अगर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिज़नेस की जो रिस्क है वो तो रहेगी ही साथ ही साथ अगर बिज़नेस में आपने फिनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा डेट ओरिएंटेड सजा रखा है अगर आपने बिज़नेस अपने पैसे से ना करके डेट के पैसे से अगर बिज़नेस किया है तो उससे आपको फिनैंशियल रिस्क एडिशनली बियर करनी पड़ती है सो so, ये दो तरह की मेजर रिस्क है मैं फिर से आपके सामने रख दूं पहली है अपनी बिजनेस रिस्क और दूसरी है अपनी फाइनेंशियल रिस्क क्लियर है तो इन दो को हम लोग मेजरली क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क में नेक्स्ट बिजनेस रिस्क भी दो तरह की होती है नंबर वन इज़ द सेल्स रिस्क नंबर टू इज़ द ऑपरेशनल रिस्क सो सेल्स रिस्क इज़ बेसिकली कि आप अपने प्रोडक्ट्स बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे उसकी जो रिस्क होती है उसे हम कहते हैं सेल्स रिस्क दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कवरेज अपने जो फाइनेंशियल एनालिसिस uh, का जो कोर्स कर रहे हैं इसमें सेल्स रिस्क पढ़ने की कोई दरकार नहीं है बिकॉज दिस हैजू डू विथ मार्केटिंग तो मार्केटिंग वाले सेल्स रिस्क को इवेल्यूएट करें समझ में आते हैं फाइनेंस वालों को इसको पढ़ने की दरकार नहीं है बट येस वी आर ऑब्वियसली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिस्क बिजनेस रिस्क का एक इंटरनल पार्ट जो है वो है ऑपरेशनल रिस्क हमें उसके बारे में पढ़ना है एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क के बारे में तो पढ़ना ही है तो ये जो ऑपरेशनल रिस्क होती है वो क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है तो ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली तब आपके बिजनेस में अट्रैक्ट हो जाती है जब आप ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट अपने बिजनेस में इनकर कर रहे हो इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि सैलरीज ठीक है और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रेंट्स ठीक है या फिर और भी कोई भी कोई भी तरह का फिक्स्ड रेकरिंग अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको नजर आए तो वो सारे कॉस्ट यहाँ पे लागू होते हैं ऑल दीज मेक अप द ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट अब इनके होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कोई कारण से सेल्स हो या ना हो कुछ भी ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल मैं लेटेस्ट ले सकता हूँ कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा पूरे देशों में पूरे कंट्रीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड लॉकडाउन रहा तो कोविड के दौरान ऑब्वियसली सेल्स नहीं हो पा रही थी बट जिन बिज़नेस का ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा हाई था यानी कि उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थे उन बिज़नेस के ऊपर में एक बुरी तरह की रिस्क आ गई ये ऑपरेटिंग रिस्क तब होते हैं जब आपके बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हो इसका एक और क्लासिकल एग्जाम्पल मैं इंडिया के केस में दूं तो मैं बिग बजाज का एक केस दे सकता हूं आई रिमेंबर मेरा चाइल्डहुड बिग बजाज को हर नुक्कड़ पे देखते देखते हुआ और इससे पहले कि मेरा बचपना ख़त्म भी होता बिग बाज़ार बंद भी हो गए काफ़ी जगह काफ़ी जगह आज भी हैं तो बिग बाजार जो थे आ, उनकी बेसिकली ना जो सोच थी वो यही थी कि हम हर जगह अपने बिग बाज़ार के आउटलेट खोल लेते हैं सो दैट वी रीच टू द ग्रेटर मासिस इस चक्कर में ऑब्वियसली दे टुक अ लॉट ऑफ शॉप्स इन टू दे टुक अ लॉट ऑफ प्रमाइसिस एज रेंट एज रेंटल प्रॉपर्टीज कई सारे एम्प्लॉयज को हायर किया तो बहुत खर्चे लगने लग गए ये सारे ऑपरेशनल खर्चे थे बाद में ग्रेजुअली जब सेल्स उनकी हो नहीं पाई तो उनको इतने ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर करने के लिए पैसे मिल ही नहीं रहे थे जिसके कारण अर्निंग्स में सब्सटेंशियल नुकसान हो रहा था काफ़ी गिरावट आ रही थी सो दे हैड टू क्लोज डाउन द बिग बजार ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल था ऑपरेशनल रिस्क का जब किसी बिजनेस ने अपने बिजनेस में ज़्यादा ऑपरेशनल रिस्क ले लिया और उसके वजह से उनकी ऑपरेटिंग अर्निंग्स में अनसर्टेंटी आ गई इसी को हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क अनसर्टेंटी ऑफ ऑपरेटिंग अर्निंग्स कॉज बाई हाई ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट ठीक है risk, cost, तो एग्जाम्पल इसका दिया मैंने बिग बाज़ार नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ फाइनेंशियल रिस्क का अब इसमें कई सारे बिजनेस आ सकते हैं वन आई थिंक कुड बी पॉसिबली एनी कंपनी जिसने बहुत ज़्यादा कैप लोन ले लिया था और बाद में उसे रीपे करने में उनको बहुत दिक्कत आ गई थी अब ऐसी तो यार इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने दुनिया भर का लोन ले लिया और रीपे नहीं कर पाई इसमें मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा प्रोबेबली शायद रिलायंस uh, कम्युनिकेशन का ठीक है आई थिंक वो मेरे दिमाग में ज़्यादा अभी आ रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन अगेन इतना ज़्यादा इन्होंने लोन ले लिया था कि रीपे नहीं कर पाए अनिल अंबानी जी की ये कंपनी थी और रिपे नहीं कर पाने के कारण ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क आ गया अब ये कब होता है मैं समझाता हूँ आपको फाइनेंशियल रिस्क इज़ बेसिकली दैट रिस्क व्हेन यू टेक अप अ लॉट ऑफ लोन्स एंड उन लोन्स के साथ में आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है अब ऐसे में कोई कारण से भी अगर आपकी ई लेवल्स ठीक है इनमें कोई गिरावट आने लगे ना तो फिर आपका ईपीएस की बैंड बजायगी आपकी ईपीएस में भी गिरावट आने लगेगी और बहुत जोर से आएगी मैग्निफाइड गिरावट आएगी ये इसलिए हुआ कि कोई कारण से आपने लोन लेके बिजनेस तो शुरू किया बट ऑपरेशनल रिजल्ट्स वैसे नहीं थे जैसे आपने सोचे अब इसके कारण आप अपने इंटरेस्ट को ही रीपे नहीं कर पाओगे यही कारण होता है कि जब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ई और इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं आपस में आपको याद होगा ठीक है तो इनका आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुकात होता है ईबीआईटी का और इंटरेस्ट का तो उसी चीज़ को हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर आपकी ईबीआईटी में गिरावट आई तो उसके वजह से आपका ईपीएस में भी बहुत जोर से नुकसान होगा और वो नुकसान इसलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव टू पे योर इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो ये केस हुआ था रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ में वेद अ लॉट ऑफ डेट फाइनेंसिंग जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि देखा जाए तो इस पूरे जो लेवरेज की जंजाल है इस पूरे जो रिस्क की जंजाल है वो रिस्क हमेशा आती है बिकॉज ऑफ फिक्सड कॉस्ट अब ये फिक्स कॉस्ट दो तरह का हो सकता है फिक्स कॉस्ट या तो ऑपरेटिंग नेचर का हो सकता है या तो फाइनेंसिंग नेचर का हो सकता है अगर ऑपरेटिंग नेचर का है तो फिर उस रिस्क को हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क और अगर फाइनेंसिंग नेचर का है तो उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग रिस्क एज सिंपल एज दैट समझ में आया आपको यानी कि कुछ भी कर लो बिजनेस में रिस्क का जो मेन जंजाल है वो आता है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दो तरह होते as well as के होते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑपरेटिंग की वजह से जो रिस्क आती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क इंटरेस्ट की वजह से जो आती है उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग रिस्क गॉट द पॉइंट तो मेरे ख्याल से मैंने एक बहुत बहुत ही हड़बड़ में ज़रूर एक प्रयास किया कि आपको मैं समझाऊं कि टोटल बिजनेस में कितने तरह की रिस्क होती है एक बार फिर से एक अटेम्प्ट लूंगा समरी का भी समरी बनाने का और वो यही है कि इस लर्निंग आउटकम में बेसिकली सर हमने ये सीखा है कि जो टाइप्स ऑफ रिस्क होती है बिजनेस में वो प्राइमरली दो तरह की होती है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क भी दो तरह की होती है सेल्स रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क सेल्स रिस्क के बारे में हमको पढ़ना नहीं है बट ऑपरेशनल रिस्क के बारे में हमें पढ़ना है हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में उसके बारे में पढ़ेंगे दिस इज बेसिकली दी अनसर्टेंटी ऑफ ऑपरेटिंग अर्निंग्स कॉज बाई दी ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट यानी कि अगर आपके ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हैं, तो उसके वजह से आपके ऑपरेटिंग अर्निंग्स एकदम से बढ़ भी सकते हैं या एकदम से घट भी सकते हैं दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ योर बिजनेस टर्न आउट टू बी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बिग बाजार ने जगह जगह पे अपने स्टोर्स खड़े कर दिए थे तो इससे दो काम हो सकते थे या तो स्टोर्स के बढ़ने के वजह से उनकी सेल्स भी बढ़नी चाहिए थी बहुत जोर से और एकदम एकदम जोर से अगर सेल्स बढ़ती ना तो फिर उनकी ई भी बढ़ जाती यानी कि देयर आर ई बी आई टी वुड हैूटेड अप ये उल्टा भी हो गया एक्चुअल में उल्टा ही हुआ उनकी सेल्स बढ़ने के जगह सेल्स काफ़ी मैं कहूँगा सोचे हुए से कम रही जिसकी वजह से उनके ई बी आई टी लेवल्स बहुत बुरी तरह गिरने लगे एंड दैट रिजल्टेड इन अ रिस्क एंड दैट रिस्क इज़ बेसिकली रेफर टू एज ऑपरेशनल रिस्क ऑन द कॉन्ट्रेडी फाइनेंशियल रिस्क का एग्जाम्पल मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन पे लिया दिस कंपनी टूक अ लॉट ऑफ डेट फाइनेंसिंग जिसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता था ये इंटरेस्ट रीपे नहीं करने के कारण ई काफी ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है ठीक है और ई पी एस तक बात है तो ई पी एस इज द अर्निंग्स ऑफ द कॉमन स्टॉक होल्डर्स ठीक है सो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स वाइल ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट द रिस्क फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स ये सभी के लिए होती है प्रॉब्लम बट प्राइमरीली ऑबियसली ये सारे स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स को इफेक्ट ज्यादा करती है तो ये सर अपनी टोटल टाइप्स ऑफ रिस्क अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सर लर्निंग आउटकम बी इस लर्निंग आउटकम पे मैं आपको बताऊँगा कि डी ओ एल डी एफ एल और डी टी एल के फॉमूले क्या हैं तो सर डी ओ एल एसेंशियली मीन्स द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इट इज मेजर टू कैलकुलेट योर ऑपरेशनल रिस्क ठीक है अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऑपरेशनल रिस्क पढ़ाया था आपको याद होना चाहिए इसको मैंने पढ़ाया था एज अनसर्टनटी ऑफ ई बी आई टी वहां ऑपरेशनल प्रॉफिट लिखा होता ना वो ई बी आई टी होता है अनसर्टनिटी ऑफ ई बी आई टी बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये हम पढ़ के आए अभी करेक्ट तो यही चीज को यहां पे अगर आप हाँ फॉर्मूले में देखेंगे तो ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन EBIT को कंपेयर करता है इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डी ओ एल अगेन रिपीट कर देता हूँ डी ओ एल इज द मेजर टू कैलकुलेट योर ऑपरेशनल रिस्क ऑफ द बिजनेस सिमिलरली अगर आपको अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क मेजर करना है तो आपको डी एफ एल कैलकुलेट करना चाहिए फॉर्मूला वर्थ रिमेंबरिंग है और याद रखना भी पड़ेगा एग्जाम में आएगा ऐसे का ऐसा सो इट इज़ परसेंटेज चेंज इन ई पी एस बाई परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी गोज़ विदाउट से इंग कि मैं आपको डी एफ एल यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन ई पी एस बाई परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी ठीक है कुछ बच्चों की आदत होते हैं वो सोचते ऐसा हैं ऐसा है सुना कुछ है पर सोचा कुछ है दोनों में अंतर है सर दोनों में एकदम अंतर है ये गलत है और ये सही है अगेन इस चीज़ पे एकदम फुल ऑन प्रयास किए गए हैं हमारी मेन क्लास में हमारे लाइव क्लासेज में या फिर रिकॉर्डेड क्लासेज में कि आप इसको अच्छे से समझो तो so, मेरे ख्याल से आप प्लीज़ एक बार इसको रिकॉल ज़रूर करना ठीक है समरी है तो अगेन मैं इसको कवर नहीं कर रहा लेकिन आप रिकॉल ज़रूर करना कि हाँ इस फॉर्मूले की खास बात क्या है वेल well, मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ अगेन नॉट टू डिस्करेज एनी वन पर जो बच्चा एक्चुअल में सीरियस है ना एग्जाम को लेकर के उनको ये फॉर्मूले याद पहले से होंगे मेरे ख्याल से मेरे याद कराने पे उनको डिपेंडेंस भी नहीं है दे ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला क्योंकि अगर किसी को लेवरेज के फॉर्मूला नहीं याद है तो ही इज एन अ बिग 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 ग्रे एरिया तो एक ग्रे एरिया से बाहर निकलना है तो प्लीज लेवरेज को तो कंट्रोल में लाइए दिस इज अ वेरी सटल इजी चैप्टर एंड फाइनली वी हैव डी टी एल डी टी एल का प्लीज फॉर्मुला देख लीजिए इट इज परसेंटेज चेंज इन ई पी एस बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स कुछ बच्चों को यह भी फॉर्मला याद होगा डी टी एल इज इक्वल टू डी ओ एल इन टू डी एफ एल अगर आपको ये भी याद है तो भी आपका काम बन जाएगा ये फॉर्मुला भी आप यूज कर सकते हैं सो दीज आर फ्यू फार्मलाज दैट यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर देर इज अ नीड टू रिमेंबर तो प्लीज इसको याद कीजिएगा अगर आपको याद नहीं था अगेन मैं आपको इसके पीछे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा आप प्लीज ध्यान रखिए एक समरी वीडियो है एंड इसीलिए कुछ लिमिटेशंस के साथ हम काम कर रहे हैं चलो लर्निंग आउटकम बी इज डन लर्निंग आउटकम सी की बात करते हैं इस लर्निंग आउटकम में हमें एनालाइज करना है द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑन द कंपनीज नेट इनकम एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी को हम प्यार से आर ओ ई भी कहते हैं ठीक है बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट ये जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है ना सर ये फाइनेंशियल लेवरेज वही है कि किसी कंपनी ने अगर डेट फाइनेंसिंग कर ली तो डेट फाइनेंसिंग कर लेने के वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर एक एडिशनल रिस्क आ जाती है ये एडिशनल रिस्क इसलिए आती है क्योंकि इसकी इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आर पे पड़ता है बोलेंगे भैया आर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूँ देखिए एक बात तो एकदम क्लियर है अगर आपने फाइनेंशियल लेवरेज एम्प्लॉय किया अपने बिजनेस में यानी कि अगर आपने डेट यूज़ किया है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उसके वजह से आपकी जो नेट इनकम है ना सर वो गिरेगी नेट इनकम गिरेगी क्यों सीधा सा कानून है डेट फाइनेंसिंग किया तो इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा ना और इंटरेस्ट कॉस्ट अगर देंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली गिर जाएगा एंड प्रॉफिट गिरेगा तो फिर सर नेट इनकम ही उसी को कहते हैं तो नेट इनकम भी गिरेगा सो so, सीधा सीधा कहूँ तो नेट इनकम विल डिक्रीज ये तो सीधा सीधा बात लेकिन आर इंक्रीज हो जाएगा अब ये आर अगर किसी को समझना है कि क्यों इंक्रीज होता है तो उसको इक्विटी में डू पॉइंट एनालिसिस जो है वहां पढ़ना चाहिए वहां क्लियर कट आपको समझ में आएगा हाउ फाइनेंशियल लेवरेज विल आल्सो इंक्रीज योर आर सो आई एम डिफरिंग दिस टॉपिक हम जब इक्विटी समराइज करेंगे वहां आप पढ़ेंगे ठीक है अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर आप डी एफ एल बढ़ाओगे तो उसकी वजह से आर ओ भी बढ़ेगा एंड देयर बाई यू सी दैट आर ओ इज इंक्रीजिंग बट दिस वॉज द इफेक्ट ऑन द लेवल्स ऑफ नेट इनकम एंड आर ओई नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एवरेज ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर ओ यानी कि अंतर है समझिए मैं यहाँ आर के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ आर की बात कर रहा हूं अब इसको सीधा सीधा समझाऊं तो ऐसा बोल सकता हूं कि यह आपके लिए रिटर्न लेवल हो सकता है ठीक है बट रेट ऑफ चेंज हमेशा आपके लिए रिस्क का प्रतीक होता है ठीक है सो यहां पे बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी नेट इनकम गिरेगी मैं मानता हूं आपका आर बढ़ेगा मैं ये मानता हूं बट वट विल हैपन इसकी इस कारण से आपके बिजनेस की रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगी एंड बिजनेस की रिस्क बढ़ने की वजह से जो आपका चेंज इन आर है या फिर जो आपका रेट ऑफ चेंज इन आर है दैट विल बिकम वेरी वोलेटाइल एंड उसी की वजह से वोलेटिलिटी ऑफ आर विल ऑल्सो इंक्रीज एसेंशियली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट चेंज इन आर विल ऑल्सो बिकम लार्जर एंड लार्जर अब ये इसलिए होगा बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग एन एडिशनल रिस्क एंड दिस एडिशनल रिस्क विल ब्रिंग इन दिस वोलेटिलिटी ये है पूरी करतूत आपके फाइनेंशियल लेवरेज की अगेन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसे एक अकेडमिक पॉइंट या थियोरिटिकल पॉइंट से प्लीज याद मत करें बिजनेस के उद्देश्य से सोचिए अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे होंगे और आपने अगर बैंक से लोन लेकर के या डेट मार्केट से लोन लेकर के बिजनेस किया होगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली देर विल बी अ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऑन योर नेट इनकम क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए बट एट द सेम टाइम योर आर ओ य इंक्रीज बिकॉज शेयर होल्डर्स विल गेट अ मैग मैग्निफाइड रिजल्ट सो उनके लिए आर बढ़ेगा उनका एट द सेम टाइम द रेट ऑफ चेंज इन आर ओ यूलो इंक्रीज दैट इज टू से दैट द रिस्क फॉर द शेयर होल्डर्स विल ऑल्सो इंक्रीज तो ये भी समझने की बात है ये तीन चीजें मेरे को आपको समझानी थी जो क्लियरली मैंने यहाँ पे मैंशन की हुई है फिर से रिमाइंड कर दूँ नेट इनकम विल डिक्रीज आर ओ यक्रीज बट द वैटिलिटी ऑफ आर ओ विल ऑल्सो इंक्रीज दैट इज टू सेट द रिस्क ऑन द शेयर होल्डर्स विल ऑल्सो इंक्रीज ब्रिलियंट आगे बढ़ते नेक्स्ट आई आई रियली लव दिस लर्निंग आउटकम मुझे ये वाला मस्त लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम्स वगैरह है जो मुझे समझाना बहुत मजा आता है इस लर्निंग आउटकम में मैं आपको समझाऊंगा ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होती है जिसे हम अब आगे पूरी देर बी ई क्यूब बोलेंगे बी ई क्यू का मतलब हो गया ब्रेक इवन क्वांटिटी सीधा सीधा हम लोग इसको जानते भी हैं सबने नाम सुना हुआ है ब्रेक इवन क्वांटिटी इज़ द लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल्स वेयर योर प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ये एक सिचुएशन है जहां आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है इफ यू वांट टू कैलकुलेट बी क्यू एम्प्लॉय दिस फॉर्मुला टेक ऑल द फिक्स कॉस्ट इन टॉप यानी कि न्यूमरेटर में सारे फिक्स कॉस्ट ले लीजिए अब ये फिक्स कॉस्ट में आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएंगे और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आएंगे मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला था कि फिक्स कॉस्ट दो तरह के होते हैं ये देखिए दोनों तरह के कॉस्ट को हमने यहां याद कर लिया है ठीक है चलो डन है तो आप दोनों कॉस्ट को प्लीज यहां पे ऐड कर लीजिए सो यू गेट योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन द टॉप यू हैव टू डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ठीक है ये आपके सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करने से आ जाएगा अगेन जिन्होंने बी कॉम किया है उन्होंने ये फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा है मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट पढ़ते वक्त प्रोबेबली शायद सेकेंड ईयर में जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको ठीक है थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी इस चीज़ को समझने में बट आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉमूला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यू गेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इसको फॉर्मुले में अप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट बी क्यू ये तो हो गया अब ब्रेक इवन एनालिसिस का फिगर मुझे समझाना है कि ये ऐसा बनता क्यों है तो बहुत सिंपल है सर अगर आप यहां देखेंगे ना तो यहां पे आपका सेल्स कर्व अगर आप देखेंगे तो ये जो थोड़ी सी ब्राउनिश लाइन है ना ये आपकी सेल्स कर्व है एंड ये जो थोड़ी सी पिंकिश लाइन है आप देखो हम लोग को तो कलर्स का इतना ही मालूम है ठीक है ये पिंकिश जो लाइन है, आपका है। ये आपका टोटल कॉस्ट है इंटरेस्टिंग बात यह है दैट सेल्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट दैट मीन्स इफ यू आर सेलिंग जीरो क्वान्टिटी अगर आपने एक भी क्वान्टिटी नहीं बेची तो आपकी सेल की वैल्यू ज़ीरो ही होगी नॉट सो सरप्राइजिंगली आपका टोटल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा ये क्यों होगा मैं समझाता हूँ इवन इफ यू सेल जीरो क्वान्टिटी देर वुड बी ज़ीरो सेल डेफिनेटली लेकिन आप तो भी एक खर्चा बियर करेंगे उस खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट यानी कि ये वो खर्चा है जो आप पर लगेगा ही लगेगा आप भले ही प्रोडक्शन करो या नहीं करो ये फिक्स कॉस्ट होता है आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेंट्स हैं सैलरीज हैं वगैरह वगैरह आप प्रोडक्शन करो या ना करो ये तो देना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई द टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है ये इतना जो अंतर है ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया पहली बात दूसरी बात सेल्स तो देखिए ज़ीरो पे ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात ये कि दोनों का जो आपका एंगल्स होगा वो थोड़ा अलग होगा यू विल सी दैट द सेल्स कर्व इज मच मोर स्टीपर देन द टोटल कॉस्ट कर्व अगर इनके आप एंगल्स बनाएंगे तो इसकी एंगल ये आ रही है और इसकी एंगल आ रही है थोड़ी सी लार्जर करेक्ट सो सेल्स कर्व विल हैव अ लार्जर एंगल एज़ कंपेयर टू टोटल कॉस्ट कर्व जाहिर सी बात है दोनों एक जगह जा करके इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट

एंड दिस इज प्रिसाइजली द पॉइंट वेयर देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि यहाँ ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है आप इसे नाम दे सकते हैं ब्रेक इवन क्वान्टिटी का सो so ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन क्वान्टिटी यानी कि एक ऐसी क्वान्टिटी ऑफ सेल जहाँ पर ना आपको प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो इसको आप चाहें तो मैथमेटिकली डिड्यूस कर सकते हैं या डायग्रामेटिकली डिड्यूस कर सकते हैं ऑब्वियसली डायग्राम से सवाल तो नहीं आएगा बट यस yes, ये कॉन्सेप्ट याद रखना अच्छी बात है ठीक है सो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द इंटायर डायग्राम है इसके बाद में ऑपरेटिंग ब्रेक इवन की बात होगी वेरी सिंपल अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है देखो हाई फाई यहां पर अगर आप देखें तो ब्रेक इवन क्वांटिटी ऑफ सेल्स यानी कि बी क्यू का ही आप फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर्मूला वही है यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द टॉप एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि फिक्स कॉस्ट ऊपर और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे लेकिन सिंस यहां नाम आ गया ऑपरेटिंग सो यू आर नॉट गोइंग टू टेक द इंटायर फिक्स कॉस्ट आप फिक्स कॉस्ट में सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट लेंगे फाइनेंसिंग पार्ट नहीं लेंगे ये याद रखना बस ठीक है सो अगर सवाल आएगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन ना तो आपके लिए फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा सर दैट विल बिकम फिक्सड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट याद रहेगा सबको चलो बहुत बढ़िया सो so, ये हुआ अपना ऑपरेटिंग ब्रेक इवन क्वांटिटी ऑफ सी एंड इट मेरे ख्याल से ये हो गया हमारे लिए आज का एंड जी हाँ लेवरेज का ये चैप्टर बहुत ही कम समय में हमने समराइज़ कर लिया लेस देन 25 मिनट्स 21 22 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर लिया एज़ यूजुअल अ वेरी वेरी थैंक यू बिग थैंक यू कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है और ख़ुद की मदद की है ऑब्वियसली वीडियो देखा है साथ में साथ खुद की भी मदद की है एंड uh, हमेशा की तरह वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में चैनल्स को सब्सक्राइब करना आपको रट्टा हो गया होगा जो लोग लास्ट तक रोज़ देखते हैं कि दो चैनल्स हैं सर हमारे एक गौरव काबरा और एक एडिटर्स दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है एंड uh, प्लेलिस्ट को भी एकदम क्या बोलते हैं वॉच लिस्ट बना देना है वी आर ब्रिंगिंग अप न्यूअर एंड न्यूअर समरी वीडियोज़ एवरी अदर डे तो बस आगे से आगे देखते रहिए और अपनी प्रिपेरेशन और दुरुस्त करते रहिए दैट्स इट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली शायद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की समरी आने वाली है सो so बस उसके इंतजार में रहिए एल सी यू देन बाय बाय